क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, इफ द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड बी यस, शॉर्टेस्ट साइड हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, और थर्ड साइड यानी कि लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है तो 3x माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। तो पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ साइड होता है, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड, माने a + b + c, ठीक है। तो पेरिमीटर की वैल्यू क्या बताओ, कह रहे कि एट लीस्ट 61 होना चाहिए, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, एट लीस्ट 61 है ना, तो एट लीस्ट 61 का मतलब p इज greater than equal to 61, peak value 61 के equal है, greater होना चाहिए ना, तो right value, तो right value of the p a plus b plus c is greater than equal to 61 है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए right value of a b and c, तो value of a is 3x and b is b is 3x minus 2 and c is x greater than equal to 61 ना, तो देखिए 3x और x like term, तो 3x plus 3x क्या हो जाएगा 6x, x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, minus 2 is greater than equal to 61, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस inequality को solve करेंगे, तो to solve this inequality we take 2 in right, we take 2 in right, तो this is minus 2, when you take right then this become plus 2, ठीक है। तो आज adding same number in both side, sign of inequality remains unchanged, so आपका जो inequality sign है unchanged रहेगा, माने greater ही बना रहेगा, तो 63 हो गया ना। आप on dividing both side by same positive number, sign of inequality remains unchanged, ठीक है। इसके कारण अगर 7x से both side आप divide करिएगा तो sign आप इनक्वालिटी आपका क्या रहेगा अनचेंज रहेगा, माने ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 है ना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो थर्ड इज क्वेश्चन नंबर 26, पहले द मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, माने 91 सेंटीमीटर का कोई बोर्ड है इसको 3 पार्ट करना चाहता है कोई आदमी, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, what are the possible length of shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than second na, to get a man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 cm na, to 91 cm length ka koi piece hai hai, theek hai। ab isme se ek aadmi kya kar raha hai, इसके 3 पीस करना चाहता है, ठीक है,